गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the sandust door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And strange to see, the clothes and the bandage that he always wore were laying about the room. So, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लैंडलॉर्ड जो थे और उसकी वाइफ, वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। जब जल्दी उठ जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा, वो सरप्राइज़ हो जाते हैं देख कर के कि वो जो साइंटिस्ट था उसके जो डोर था वो ओपन है। और ऐसे क्या होता है, यूजुअली वो क्या करता है, अपने डोर को लॉक रखता है क्योंकि वो डरता है कि कोई उसके रूम में एंटर नहीं कर जाए। और अगर कोई भी उसके रूम में एंटर कर जाएगा, डैट मीन्स उसका जो राज है वो खुल जाएगा, क्योंकि उसको वो क्या है, इनविजिबल पर्सन है। और जब वो अपने फेस पे बैंडेज वगैरह और अब क्लोथ्स पहनता है तभी वो दिखाई देता, और जिस पार्ट जो पार्ट भी उसका जो है विजिबल होगा जब वो कपड़े यानी कोई सा भी क्लोथ्स वगैरह कुछ भी डालेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिखाया है, इसी वजह से वो अपने रूम को हमेशा लॉक रखता था। बट जब ये जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जब देखते हैं कि साइंटिस्ट का डोर जो है वो खुला हुआ है, उसके रूम का डोर, तो वो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही क्यूरियस थे आखिर इसके रूम में ऐसा क्या है कि वो कभी भी हमेशा लॉक रखता है और किसी को अंदर जाने का परमिशन भी नहीं देता है। तो वो ये चांस जो है वो मिस नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेड क्लोथ्स जो था वो कोल्ड था, ठंडा पड़ा हुआ था, जिससे पता चलता है कि कोई जो है वो बहुत देर से उस बेड पे नहीं बैठा नहीं लेटा है, जिससे क्या है कि वो ठंडा पड़ा हुआ है। तो इससे पता चला कि साइंटिस्ट बहुत देर से उस रूम से यानी गायब है। अब क्या होता है, और भी दिखता है कि जो बैंडेज जो वो हमेशा अपने फेस पे बांधा रहता था वो भी रूम में पड़ा हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेप्ट अप एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस। देन द बेडरूम चेयर्स बिकेम अलाइव स्प्रिंगिंग इनटू द एयर। इट चार्ज्ड straight at her, leg foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam the door and lock the door after them. अब जब मिसेस हॉल जो हैं, जो उसकी लैंडलॉर्ड रहती हैं उस साइंटिस्ट की, जब वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि वहाँ पे बैंडेज पड़ा हुआ है और वो साइंटिस्ट यानी कि वहाँ पे नहीं था। तभी क्या होता है कि उनके पास उन्हें यानी उनके कान के पास ऐसा लगा कि कोई जो है वो छींक रहा है, किसी छींकने की आवाज़ आई। तो वो भी सरप्राइज्ड हो जाती हैं क्योंकि हॉल पूरा रूम जो था वो खाली था, उसमें कोई भी नहीं था, और सडन ये आवाज़ कहाँ से आई। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो हैट जो है टंगा हुआ था, वो हैट जो है उड़ करके उनके फेस पे आकर टकराता है। उन्हें ऐसा लगता है, एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो साइंटिस्ट था वो उठा करके मारा होगा, बट उन्हें तो उनको पता नहीं था, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि वो हैट जो है वो उड़ करके उन पे आ रहा है, उस पे अटैक कर रहा है।
फिर क्या होता है कि उनके जो बेडरूम में चेयर जो रखा हुआ है, उन्हें लगता है कि वो अलाइव हो चुका है, और वो भी एयर में जो है वो एयर में जा कर के, और वो भी उन्हें हर्ट कर रहा था, और इस वजह से वो डर जाते हैं। और यहाँ तक कि क्या बताता है कि वो जो चेयर जो है वो उड़ता है हवा में, और उनके यानी कि जो लेग रहता है उस पर जा कर के अटैक करता है। अब क्या होता है कि उसके हस्बैंड और वो दोनों बहुत डर जाते हैं, और देखते हैं कि डर करके भागना यानी बाहर जाने के लगते हैं, और वो जो चेयर जो रहता है वो भी क्या करता है, उन दोनों को ठेल करके और दरवाज़ा बंद हो जाता है, और फिर उन्हें फील होता है कि दरवाज़ा लॉक हो गया। अब वो लोग बहुत डर जाते हैं, उन्हें क्या लगेगा ऐसा कुछ जब होगा तो किसी को भी लगेगा कि क्या हो सकता है, कोई घोस्ट वगैरह हो सकता है, क्योंकि चेयर जो है सडन अटैक करने लगे और जो हैट है वो हवा में उछलने लगे, तो किसी को भी डर लगेगा। तो मिसेस हॉल जो हैं वो बहुत डर जाती हैं। बोले मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक, शी वॉज कन्विंस्ड डैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड डैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। अब यहाँ मिसेस हॉल जो है वो सही सोच रही, उन्हें लग रहा है कि सचमुच जो है इसमें क्या हो गया है, इस रूम में कोई स्पिरिट्स आ गई, आत्मा आ गई है, जिसकी वजह से वो सारे जो चीज़ हैं वो भी हवा में चलने लग रही है इस वजह से, और उन्हें क्या लगता है कि वो जो स्पिरिट्स जो आत्मा है उसे क्या कर दिए हैं उस स्ट्रेंजर डैट मीन्स जो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके फर्नीचर में उसे एंटर कर दिया है। ठीक है, वो यानी कि फर्नीचर में स्प्रिट चली गई है और इसी वजह से स्प्रिट जो है वो अटैक कर रही है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन डैट चेयर सिमोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब क्या हो गया, उन्हें बहुत अफसोस होता है, उन्हें लगता है कि ये जो चेयर जब उनके ऊपर अटैक करता है तो वो अफसोस करती है, वो बोलती है कि मेरी माँ जो है वो उस चेयर पे बैठा करती थी, और उसे क्या लग रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट है वो उसने क्या किया है उस चेयर में जो है वो स्प्रिट को डाल दिया है, और इसी वजह से चेयर भी उनके अगेंस्ट हो गई है, उन पर अटैक कर रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज डैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट एंड बट विच क्राफ्ट और नॉट वे न्यूज ऑफ द पगलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकम नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट सस्पिशंस ग्रीव इवन स्ट्रोंगर वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश Though he had admitted not long before that he had no money. अब क्या होता है कि सारे नेबर्स जो हैं उन्हें क्या लगता है कि ये सारा जो कॉज है, ये इतना सारा जो ट्रबल हुआ उसका कॉज क्या है, विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट होता है डैट मीन्स जो सुपर नेचुरल चीज़ होता है उसमें, उसी तरह स्प्रिट आत्मा, तो वो उन्हें भी लगता है कि ये सारा कुछ किसके वजह से हो रहा है, विचक्राफ्ट यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट की वजह से हो रहा है ये सारा ट्रबल। लेकिन यहाँ पे विचक्राफ्ट था या नहीं वो बता रहे हैं कि कब होता है, जब क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो जाती है तो सभी को समझ में आने लगता है, तो जो साइंटिस्ट रहता है सबको उस पर शक करने लगता है कि ज़रूर इस चोरी में उसका हाथ है। अब क्यों, क्योंकि उसने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि उसके पास जो है वो पैसे नहीं हैं, और उसे वो पैसा जो है मिसेस हॉल को नहीं देता है क्योंकि वो बताता है कि उसके पास कोई मनी अभी नहीं है, और कोई चेक आने वाला है तब वो पैसे देगा। लेकिन और फिर वो क्या करता है कि वहाँ पे जब क्लर्जीमैन के घर चोरी होती है उसके बाद वो पैसे जो है वो मिसेस हॉल को हैंडओवर करता है, तो इससे पता चलता है कि पैसे जो है उसने कहाँ से लिए थे, क्लर्जीमैन के घर से जो चोरी हुए थे। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या होता है कि विलेज कॉन्स्टेबल को जो है वो चुपचाप से भेजा जाता है कहाँ पे, यानी कि जो साइंटिस्ट था उस पे नज़र रखने के लिए,
कि उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, बट इससे पहले कि वो कांस्टेबल वहाँ तक पहुँचता है, मिसेस हॉल से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वो खुद ही चली जाती हैं। और उन्हें जब वो वहाँ साइंटिस्ट के पास जाती हैं तो क्या देखती हैं कि साइंटिस्ट जो है वो खाली बेडरूम में कहीं से अपीयर हो जाता है। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। अब क्या होता है, बोलती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जो हो किस तरह से जो है उसने तुमने यानी एंटर किया है रूम जो है वो लॉक है, और तुमने किस तरह से एंटर किया है, किस तरह से एंटर कर जाते हो और रूम लॉक रूम में, और भी बताती है कि तुम जो यहाँ पे चेयर पे क्या कर रहे हो। ठीक है, वो जानना चाहती है कि वो जो चेयर है जो उसके मदर का जिस पे बैठा करती थी, तो वो बता रहा है कि उस चेयर पे क्या करो और इसके साथ तुमने क्या किया। और पूछना चाहती है कि जब रूम में कोई नहीं होता तो रूम लॉक हो जाता है तो तुम रूम में एंटर कैसे कर जाते हो, और यानी लॉक रूम से तुम बाहर कैसे आ जाते हो। तो ये सारा कुछ वो पूछना चाहती है किससे, साइंटिस्ट से।